अच्छा, सीरियल में काम करने के बाद जब आए थे यहाँ पे, विभीषण का हो गया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ लगती होगी। जैसे विभीषण का जब किरदार उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो तो बहुत फेमस हो गए थे सीरियल, बहुत लोग आते रहते होंगे। वो रामायण ना, हाँ रामायण वो तो जबरदस्त यहाँ कर्फ्यू लग जाता था। जब आते होंगे तब। हाँ ये तो सब जगह पे, इधर में हिम्मतनगर में, साबरकांठा में, ये तो पूरा गुजरात में जब भी रामायण का सीरियल चलता था ना तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता था, बिल्कुल बंद, जब जैसे कि भाई समझो कर्फ्यू लग गया। और सब बंदी बिल्कुल एकदम से, हाँ क्योंकि कुछ अच्छा आते थे तो मिलते थे आप। वो आते थे खरा, यहाँ पे रहते थे, उसका जो परिवार है तो कोई लगन प्रसंग होगा, कोई होगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। आपका मिलना होता था? अच्छा, हाँ ये दुकान पे आते थे कब? यहाँ आते थे। हाँ मेरी दुकान पे आते थे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैं अहमदाबाद से करीब 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर दूर एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है इडर। तो हम अहमदाबाद से बस पकड़ के सीधा आए इडर, और इडर से सीधा ऑटो पकड़ के 10 किलोमीटर दूर एक गांव है बड़ोली। तो बड़ोली गांव से एक बहुत ही उम्दा कलाकार निकले हुए हैं। वहां जन्मे तो नहीं पता नहीं, जन्म तो उनका शायद मुंबई में हुआ है। हाँ जन्म उनका मुंबई में हुआ है, लेकिन बड़ोली में उनका पुश्तैनी घर है जहाँ उनका हमेशा आना जाना लगा रहता था। हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर जी की, रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश रावल जी का। जी हाँ दोस्तों, घर दिखाएंगे इस वीडियो में जो कि है गुजरात बड़ौली गांव के अंदर। तो दोस्तों अभी हम बड़ौली गांव के मेन हाईवे पे खड़े हुए हैं, यहां से चलेंगे बड़ौली गांव के अंदर और पता करते हैं कि मुकेश रावल जी का घर कैसा है, कौन रहता है, अभी उनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को आगे देने वाले हैं। मुकेश रावल जी को आप लोगों ने कई गुजराती फिल्मों में देखा होगा, हम लोग तो गुजराती फिल्में ज़्यादा देखते नहीं, आप सभी लोग जानते हो यूपी से बिलोंग जो करते हैं नहीं देखते, लेकिन जो हमारे गुजरात के भाई बहन हैं वो लोग गुजराती फिल्मों में उनको देखा होगा, हिंदी फिल्मों में भी और सीरियल में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन जो उनको असली प्रसिद्धि है वो रामायण में विभीषण का किरदार निभाने के बाद मिली। कुछ ही साल पहले 2016 में उनकी जो है ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु जरूर हो गई थी, लेकिन आज भी उनका गाँव, उनका जो घर है वो अभी भी है यहाँ पे। वैसे तो वो मुंबई में ही जन्मे, मुंबई में ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनके पिताजी, उनके दादाजी यहीं से बिलोंग करते थे, यहाँ पे उनका पुश्तैनी घर है, वो आया जाया करते थे यहाँ पे। तो आज वो हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें, चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बाद में जरूर भूल जाओगे यार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मुकेश रावल जी का घर कौन सा? मुकेश रावल जी का घर मुकेश रावल जी कौन? शादी है? अरे मतलब फिल्मों में काम करते का नाम रावण, वो विभीषण ये रोड, ये रोड के सामने ही मकान मुकेश रावल का है। जिस दस अभी हम आए हैं इधर से, आज वो एक गली गली में नहीं चलना, हाँ दूसरी गली में वही मुकेश रावल जा रहा आगे खिला रहे हो ना, पहली गाड़ी में नहीं जाने का, दूसरी गाड़ी में ऐसा मंदिर गाड़ी नहीं, दूसरी गाड़ी में चले जाना। चलिए धन्यवाद। मुकेश रावल बोलने का, लंकेश नहीं, वो विभीषण बने थे। हाँ मेरे को मालूम है। चलिए तो गाइस फाइनली बड़ी मुश्किलों और जिहत के बाद हम पहुंचे हैं अभी मुकेश रावल जी के घर के बिल्कुल पास में, जहाँ पर वो रहा करते थे अपने बचपन के दौर में, और जब एक्टिंग वो भी करने लगे थे फिर भी यहाँ पे आया करते थे, ऐसे लोगों का यहाँ पे मानना है। और मैंने काफ़ी लोगों से गांव में पूछा तब जाके मुझे ये घर मिला है, और कई मैं इसके आगे निकल जाता था फिर मैं किसी इसके बाहर पीछे चला जाता था, तो ऐसे लोग कंफ्यूज कर रहे थे थोड़ा सा, कि पूछ के तो कि थोड़ा सा आगे बताते थे तो मैं बहुत ही आगे निकल जाता था। थोड़ा सा भाषा में भी यहाँ पर दिक्कत है, मतलब गुजराती बोलते हैं लोग, गाँव है देहात है तो यहाँ पर गुजराती यानी कि प्योर गुजराती लोग बोलते हैं, तो हमें जो है समझ में नहीं आती है। सिटी के लोग तो हिंदी में बात कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है भाई कि हिंदी, हम लोग यूपी से आए हैं तो हिंदी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, हम लोगों को गुजराती तो 2% भी नहीं आती। तो फिलहाल के लिए अभी हम बैक कैमरे को ऑन करेंगे और उनका वो घर दिखाएंगे मुकेश रावल जी का, जहाँ पर वो रहते थे और जो उनके बचपन का घर है। इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। तो गाइस अभी हमारे साथ में हैं दादाजी, आप क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम प्रहलाद भाई है। प्रहलाद भाई चौहान। तो मुकेश रावल जी जो है सुना है हमने बड़ोली गांव से बिलोंग करते थे। बड़ोली का है, सामने घर है उसका, यहाँ पे इनका घर है, यही सामने घर दिखता है। अभी यहाँ पे कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है। खाली पड़ा है
अच्छा, वो उनका जन्म तो यहीं पे हुआ है? हाँ, उसका जन्म नहीं, उसका जन्म कभी मेरे को शायद लगता है बम्बई में हुआ है, क्योंकि पहले से बम्बई रहते थे, उसका बाप दादा वो सब बम्बई में रहते थे, घर यहाँ पे था। अभी उसकी मेरे को परिचय ज़्यादा नहीं है, पर मेरे को खबर है, मेरे को मालूम है कि वो उसका जन्म शायद बम्बई में हुआ है। जन्म मुंबई में हुआ है, लेकिन पुश्तैनी घर यही है उनका। हाँ, या फिर यहाँ आते थे, रहते थे 8-8 दिन, 10-10 दिन आते थे। श्रावल यहाँ पे आते थे आप लोग? हाँ, उसका घर है, उसका परिवार है, उसका कुटुंब है यहाँ, वो रावल फरी बोला जाता है। अच्छा, रावल परिवार है उसका, पूरा परिवार यहीं है। हाँ, रावल परिवार है। अभी उसमें पुरुष जो थे वो सब गुजर गए। अच्छा, बाकी वो औरत लोग है, अमुक घर बंद हो गए, जिसका कोई परिवार में कोई था नहीं। बाकी उसका रावल परिवार है, रावल परिवार में उसके बुजुर्ग है, जो वरील वो मुकेश रावल के फादर थे ना, तो उसका जो भाईचारा, जो भाई कुटुंब है ना, वो यहाँ पे है। तो उनके पहले से उनके पिता उताजी जो फिल्मों में काम किया करते थे क्या, कि उन्होंने शुरुआत की? उसने सर, वो उसकी तो उसका फादर तो बीमा कंपनी में नौकरी करते थे। अच्छा, अच्छा। LIC में थे। हाँ, ये मेरे को खबर है। हाँ, बाकी मुकेश रावल कोई नौकरी भी करते थे, और वो सीरियल में काम भी करने लगे। यहाँ कुकड़िया गांव में अरविंद त्रिवेदी लंकेश बने थे, रावण बना था, और जो उपेंद्र भाई, उसका भाई उपेंद्र भाई, वो भी वो सीरियल पिक्चर, गुजराती पिक्चर में, गुजराती फिल्म में, फिल्म में काम किया है उसने, रावण के भाई ने। हाँ, अच्छा, आते थे तो मिलते थे आप? वो आते थे खरा, यहाँ पे रहते थे। उसका जो परिवार है, तो कोई लगन प्रसंग होगा, कोई होगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। आपका मिलना होता था? हाँ, ये दुकान पे आते थे कब? अच्छा, यहाँ आते थे? हाँ, मेरी दुकान पे आते थे। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम कब आए होंगे वो? जब वो तो सालो बहुत 2016 में तो खत्म ही हो गए। 8-10 साल हो गए उनको, तो लास्ट में आया, फिर बाद में नहीं आए थे। अच्छा, सीरियल में काम करने के बाद जब आए थे यहाँ पे, विभीषण का हो गया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ लगती होगी। विभीषण का जब किरदार उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो तो बहुत फेमस हो गए थे सीरियल, बहुत लोग आते रहते होंगे। रामायण ना? हाँ, रामायण। और तो जबरदस्त यहाँ कर्फ्यू लग जाता था जब आते होंगे तब। हाँ, ये तो सब जगह पे, इधर में, हिम्मतनगर में, साबरकांठा में, ये तो पूरा गुजरात में जब रामायण का सीरियल चलता था ना, तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता था, बिल्कुल बंद, जैसे कि भाई समझो कर्फ्यू लग गया, सब बंद ही बिल्कुल एकदम से। हाँ, क्योंकि गुजरात के ज्यादा से ज्यादा गुजरात के ही लोगों ने काम किया उनमें। हाँ, तो अभी कुंभकर्ण जो बने थे वो भी गुजरात के ही थे। ये कुकड़िया गांव के, उसके रिश्तेदार भी है, ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। हाँ। ज्यादातर उस समय तो जब चलते थे तो हम लोग भी देखा करते थे बचपन में, जब आते थे तो गाँव में एक ही दो टीवी हुआ करते थे, वो सब देखा करते थे रावण। हम खुद दुकान बंद करके घर चले जाते थे देखने के, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी वो टाइम में, ब्लैक एंड व्हाइट था तो हम देखते थे। सबके घर टीवी भी नहीं होती थी वो सब, गांव में बिल्कुल एकदम शून्य हो जाता था, जिस टाइम पे आता था उस टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। तो एटलो उपेंद्र भाई भी आते थे यहाँ पे, मेरी दुकान पे भी आते थे, गांव में आते थे, तो उपेंद्र भाई त्रिवेदी भी आते थे, अरविंद भाई त्रिवेदी भी आते थे। उसका जो रिश्तेदार है वो यही है, उसकी बहन भी यहाँ थी। अच्छा, हाँ, तो वो आते थे, तो सब रिलेशन था, तो एक दूसरे के पास आते आते थे, आते खाते ऐसे ऐसे अपन रहते हैं ना, अपने सगे वाले के गांव जाते हैं तो कैसे रहते हैं। हाँ, तो वही ऐसे रहते थे, ऐसा कोई नहीं है ऐसा, यहाँ तो कोई ऐसी कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी इतनी, आते थे जाते थे ऐसे जैसे अपन जाते आते हैं, वैसे वही भी आते थे जैसा, बिल्कुल आते जाते। हाँ, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। तो गाइस, अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर आज है थोड़ा सा शादी वादी काम लग रहा माहौल है। ये देखिए, यहाँ से तो कई लोगों ने निकल के मेरे से पूछा, भैया हाँ बताइए कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, वो सारा कुछ ऐसे पूछते रहे, क्योंकि मेरी वेशभूषा ही थोड़ी सी ऐसी है, बड़ा सा बैग पीछे टंगा हुआ है और छोटा भी बैग आगे टंगा हुआ। तो ये जो घर आप लोग देख रहे हो हमारे सामने इस वीडियो के माध्यम से, ये देखिए इसके गेट पर ताला तो नहीं लगा हुआ, चप्पल भी रखी है, यानी कि अभी भी इसमें कोई रह रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का घर है पूरा का पूरा, जहाँ पे बचपन बीता है मुकेश रावल जी का।
तो मुकेश रावल जी को अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, रामानंद सागर जी ने एक 1987 में धारावाहिक बनाया था जो कि था रामायण। जी हाँ दोस्तों, उस रामायण धारावाहिक में इन्होंने एक बहुत ही राक्षस कुल वाले व्यक्ति का, मतलब राक्षस कुल में इन्होंने जो जन्म लेते हैं तो उनका किरदार निभाया था विभीषण जी का। और जो कि राक्षस कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन उनका जो व्यवहार है वो राम की भक्ति की तरफ रहता है, और ऐसा किरदार निभाना इनके जीवन का वो इनके लिए हमेशा यादगार रह गया और सदियों के लिए लोग इनको याद रखेंगे। तो ये देखिए मुकेश रावल जी का घर है। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जो जन्म है वो 1951 में हुआ था, 1951 में, सॉरी, इनका जो जन्म है वो 1951 में हुआ था। और ये देखिए मौत की तिथि जो है इनकी वो 15 नवंबर 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और मौत इनकी जो है कांदिवली मुंबई में हुई थी, और ऐसे कहा जाता है कि ट्रेन हादसे में इनकी मौत हुई थी। अभी अगर दोस्तों बात करें तो इनकी जो मौत है वो ट्रेन दुर्घटना में हुई थी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, कांदिवली में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के टाइम ये विवाहित थे, शादीशुदा थे। इनकी पत्नी का नाम सारा रावली था, जिनसे इनके बेटे थे द्विज, जो कि 2006 से 6 में 18 वर्ष की आयु में एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि इनके बेटे की भी 18 वर्ष की उम्र में जो है मृत्यु हो गई थी। और बेटियां दो हैं इनकी, आर्यवेद रावल जो कि एक अभिनेता, पत्नी खंड में छवि में है ना, और विप्र रावल मेवानी, दो इनकी बेटियां हैं। तो आप लोग देखिए ये वो घर है मुकेश रावल जी का, ये उनका बचपन का घर है जहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता था। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, वैसे तो यहाँ पे हमें कोई नजर नहीं आ रहा लेडीज के अलावा, जेंट्स में कोई नजर अगर आ जाए तो मैं उससे पूरी जानकारी ले लूँ आप लोगों के लिए। लेकिन घर आप लोग देखिए एक बार, ये वो घर है जहाँ अभी हम पहुंचे हैं। और ये जो गाँव है बड़ोली, ये गाँव करीब अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर हमें पड़ा है, और हम यहाँ पहुँचे अकेले आप लोगों के लिए। ये देखिए इनका जन्म जो है 1951 में हुआ था, और 1987 में जो, और इन्होंने गुजराती फिल्मों में भी बहुत काम किया है, बहुत सारी गुजराती फिल्मों में इन्होंने काम किया है। उसके बाद जब 1987 में रामानंद सागर ने रामायण बनाने का सोचा और इन्होंने ऑडिशन दिया और उसमें विभीषण के रोल के लिए फिट हो गए, तो वो तब नहीं, कोई भी रामायण का वो पात्र नहीं जानता था कि आगे चल के उनको ऐसी प्रसिद्धि मिलने वाली है जैसी वो बाद में उनको मिली, जिसके कारण उनके जो जीवन है, उनका जो पूरा का पूरा जीवन है, पूरा का पूरा एक्टिंग करियर है, वो जो है सवर गया और कुछ लोगों का बिगड़ भी गया। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे अरुण गोविल सर बताते हैं कि राम का किरदार करने के बाद उन्हें फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ा क्योंकि लोग उनको और छवि में देखना ही नहीं चाहते थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था। तो फिलहाल विभीषण का किरदार आप लोगों को रामायण में कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। विभीषण का किरदार निभाना मतलब एक राक्षस कुल में जन्म लेना और उसके बाद उस सरलता और सहजता से, और उस, कहते हैं ना कि धर्म से तो, मतलब जाति से तो ये ब्राह्मण ही थे, रावण जो जाति से ब्राह्मण था तो ब्राह्मण कुल में ये जन्मे थे, लेकिन राक्षसों के कुल था जो राक्षसों में जन्मे थे, लेकिन राम की भक्ति थी अपार जिस वजह से इनको रावण ने लंका से निकाल दिया था। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं बड़ोली गांव से, विभीषण जी का घर दिखा के आप लोगों को, और सड़क पर, ऑन रोड पे, अभी हाईवे पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ से चलेंगे अगले वीडियो की तरफ, अगले ऐसे बॉलीवुड कलाकार, ऐसे रामायण के कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से बेसभी के दिलों को जीत लिया था, उनका नाम मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, वो वीडियो आगे आएगा, आप लोग देखते रहना, या इससे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, एक दादाजी मिल गए थे, उन्होंने जितनी जानकारी उन्हें पता थी उन्होंने दे दी, वो कह रहे हैं कि उनका आना जाना यहाँ लगा रहता था, हम लोगों से मिलना लगा रहता था, उनकी दुकान पे भी आया करते थे। तो ऐसे वो मतलब एक कलाकार थे, एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, तो कि अपने गांव से जन्मे तो नहीं लेकिन अपने गांव में आया करते थे, अपने घर पे रुका करते थे, ऐसे वो महान कलाकार रहे। एक रेल दुर्घटना में उनकी मृत्यु जरूर हो गई लेकिन उनको जो है रामायण में हमेशा देखा जाएगा, और रामायण जब भी कोई देखेगा तो उनको बार बार याद करेगा। तो प्लीज बताना वीडियो को कैसा लगा, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो यार, तो प्लीज अब की बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, पास में आएगा बेल आइकन, उस कॉल पे क्लिक कर दो, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे ऐसे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।